सीख लेते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति देखेगा कि क्या हैंडराइटिंग, देखो बेटा हैंडराइटिंग मैटर करती है जब निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाए तब, ठीक है। हाँ अच्छी हैंडराइटिंग की कदर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना हैंडराइटिंग, खराब हैंडराइटिंग वालों का कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बनोगे सीधे सीधे दोस्त, क्या लिखा है कितना पैसा लेना है किसी को पता भी नहीं चलेगा, फटाफट पैसा ले सकते हो। तो अब तुमने लिंग सहलग्न विकार पढ़ लिए हैं, कौन से एक्स लिंग सहलग्न पढ़ लिए हैं। दूसरे टाइप के मेंडेलियन विकार अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्या है कायिक विकार। दूसरे वाले कौन से है, कायिक विकार, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कायिक विकार। एक काम करते हैं थोड़ा इंक भर लेते हैं ताकि ये और ब्राइट दिखे। इंक भर लेते हैं, इंक का बहुत बड़ा डब्बा है अपने पास, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कहाँ गया सर, इतना बड़ा, इतने दिन चलेगा, देर खर्चा हो रहा है भाई साहब बहुत सारा, फ्री में पढ़ाने के चक्कर में, पर कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही हो रहा है बच्चों के लिए, तो क्या मालूम अपने लिए भी अच्छा हो जाए। हाँ ठीक है चलो, तो कायिक विकार की बात करते। कायिक विकार में सबसे पहला फटाफट पढ़ना है, 20 मिनट में टॉपिक खत्म करना है, ठीक है, जितना फटाफट जितना शॉर्ट एंड स्वीट, काम की सारी चीजें पढ़नी है, बिना काम की कोई चीज नहीं पढ़नी है, क्लियर। एक्यूरेसी चाहिए अपने को फाइनल एग्जाम के अंदर। कायिक विकार के अंदर पहला चीज सिकल सैल एनीमिया, अभी मैं बताता हूं इसका हिंदी में नाम भी बताऊंगा, सब बताएंगे, ठीक है। ये रक्त से संबंधित विकार है, तो अभी भी सर रक्त से संबंधित चल रहा था, हाँ चल रहा था, लेकिन ये भी रक्त से संबंधित विकार है। रक्त से संबंधित विकार सिकल सेल एनीमिया क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो इसके अंदर एक्चुअली आरबीसी का आकार परिवर्तित हो जाता है, और आरबीसी जो सामान्यतः कैसी होती है, इस तरीके की कैसी होती है, द्विअवतलाकार, वो बदल कर कैसी हो जाती है, इस तरीके की, इस तरीके की हो जाती है। और इस तरीके का तुमने क्या देखा है अपने गांव के अंदर, चारा काटने की हंसिया, क्या बोला जाता है, हंसिया, तो इसको हिंदी में बोला जाता है हंसियाकार, हंसियाकार कोशिका, और एनीमिया को बोला जाता है रक्ताल्पता, रक्त अल्पता हो गया रक्ताल्पता, तो हंसियाकार कोशिका रक्ताल्पता रोग का नाम है, इसलिए याद रखना सिकल सेल एनीमिया, हंसिया का जाने तो भाई, ठीक है समझ गया बात आई। अब किस वजह से होता है, एक वजह से होता है, ठीक है, एक कोडोन में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन, हमको मालूम है हीमोग्लोबिन के अंदर चार चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, पता है हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी चेन होती है, एचबी के अंदर 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, ये तो मालूम है चार चेन होती है, ये नहीं आएगा तो अगला थैलेसीमिया भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो एक कोडोन में परिवर्तन होता है कौन सी चेन के अंदर, बीटा चेन की 6th पोजीशन पर, कि 6th पोजीशन पर वो परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, इधर देखो कोडोन है जी ए जी, वो बदलकर हो जाता है जी यू जी, जिया जी जीव जी, जीजा जीजू हो गया, ठीक है, जिया जी क्या हो गया, जीव जी हो जाता है, ठीक है। तो जीए जी जो था वो एक सामान्य अमीनो अम्ल को लाता था, कोडोन पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, कोडोन क्या होते हैं, जो डीएनए से सूचना आती है उसको प्रोटीन में परिवर्तन करने में हेल्प करते हैं, और कोडोन होते किसके ऊपर है, एमआरएनए के ऊपर, किसके ऊपर, एमआरएनए, हम पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जीए जी की वजह से एक अमीनो अम्ल आता था जिसका नाम है ग्लूटामिक अम्ल, लेकिन अब परिवर्तन हो गया चूंकि, तो अब कौन आएगा, वैलीन अमीनो अम्ल आएगा, ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल आता था, अब कौन आता है, वैलीन आता है। तो इसकी वजह से तो कैसा होता था, सामान्य हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब सामान्य हीमोग्लोबिन, जबकि ये कैसा हो जाएगा, परिवर्तित हीमोग्लोबिन, और परिवर्तित हीमोग्लोबिन जो है वो सही से अपना काम नहीं करेगा, उसका क्या होगा, बहुलीकरण, क्या हो जाएगा, बहुलीकरण, और बहुलीकरण के कारण
क्या हो जाएगा, आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। तो मुख्य लक्षण यहां पर है इस रोग का कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी हंसियाकार होती है। किसकी वजह से? कोडोन में परिवर्तन। कोडोन में परिवर्तन कहां पर? बीटा चेन की छठी पोजीशन के ऊपर। छठी पोजीशन के ऊपर क्या चेंज होता है? जीएजी की जगह पे क्या हो जाता है? जीयूजी हो जाता है। जीएजी जो पहले किसको लाता था? ग्लूटामिक अम्ल। अब जीयूजी किसको लाएगा? वैलिन। परिवर्तित हीमोग्लोबिन का बहुलीकरण हो जाता है और आरबीसी कैसी हो जाती है? हंसियाकार। बहुलीकरण कब होता है? जब लो ऑक्सीजन हो उस समय होता है। ठीक है, अगर एमआरएनए के ऊपर ये चेंज हुआ है तो डीएनए के अंदर का क्या रहा होगा? हमको मालूम है डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए के अगर जी आया है तो जी के सामने क्या रहा होगा? सी। ए आया है तो ए के सामने क्या रहा होगा? टी। जी के सामने ते। तो डीएनए के अंदर सीटीसी की जगह पे क्या आ जाएगा? सीएसी। तो अल्टीमेटली परिवर्तन किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। टी के स्थान पर ए आ जाता है, जिसकी वजह से एमआरएनए में क्या परिवर्तन हुआ? ए की जगह पे कौन आया? यू आ जाता है। बात समझ में आ रही है? केवल एक पॉइंट म्यूटेशन, इसको क्या बोला जाता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है, बिंदु उत्परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया फटाफट लिखिए इसको, क्योंकि जितनी देर में तुम लिखोगे उतनी देर में मेरे को मिटाने के लिए भी लगेगा। वीडियो को रोक लो, मैं मिटा देता हूं फटाफट। आ आ आ आ आ सब आसान है, रोग कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ये सारी सबसे टेक्निकल चीजें इसी के अंदर, बाकी तो और आसान है। रोज तो अच्छा मिटाता है यार ये कपड़ा, आज क्या हो गया इसको, जोर देना पड़ रहा है मेरे। आगे चले, चलिए अब आगे थैलेसीमिया। ये भी रक्त से संबंधित विकार ही है, ये भी रक्त से संबंधित, सब रक्त से संबंधित है, तो फिर करना क्या था बाकी चीजों को लाकर जो जो है कोर्स में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन श्रृंखला है या ग्लोबिन चेन है अल्फा और बीटा का, बहुत कम या बहुत अधिक संश्लेषण होने लगता है, बहुत कम या बहुत अधिक प्रोडक्शन, उस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कौन सी चेन के अंदर परिवर्तन हो रहा है और कौन ज्यादा बन रहा है उसके आधार पर तीन प्रकार का, इनफैक्ट मुख्यतः दो ही है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, एंड थर्ड वन इज, ठीक लिखते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति देखेगा कि क्या हैंडराइटिंग निकल। देखो बेटा, हैंडराइटिंग मैटर करती है जब निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाए तब। ठीक है, हाँ अच्छी हैंडराइटिंग की कदर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना हैंडराइटिंग, खराब हैंडराइटिंग वालों का कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बनोगे सीधे सीधे दोस्त, क्या लिखा है, कितना पैसा लेना है किसी को पता भी नहीं चलेगा, फटाफट पैसा ले सकते हो। हाँ ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया, तो अपन डॉक्टर नहीं बने, क्वालिफिकेशन पूरी थी अपने पास, एग्जाम ही नहीं दिया ना दोस्त, क्यों नहीं दिया उसके पीछे एक लंबी कहानी है। ठीक है, बताऊंगा कैसे, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और डेल्टा थैलेसीमिया। तो जो पहले लिखा हुआ है बहुत कम, उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो अल्फा श्रृंखला कम संश्लेषित होती है, अल्फा श्रृंखला कम, इसके अंदर बीटा श्रृंखला कम कम या बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल ही नहीं होती, अनुपस्थित, होती भी है तो अक्रियाशील। ठीक है, और इसके अंदर कौन होगी? डेल्टा श्रृंखला कम। अब तुम सोचोगे कि अभी तो सर बोल रहे थे कि दो अल्फा और दो बीटा होती है, डेल्टा कहां से आए? तो एक आंकड़ा जरूर ध्यान रखना कि जो व्यस्क होते हैं जीव, व्यस्कों के अंदर होती है 97% लोगों के अंदर होती है
दो अल्फा और दो बीटा श्रृंखलाएं, ठीक है। बाकी के 3% लोगों के अंदर होती है दो अल्फा दो डेल्टा। और जो शिशु होते हैं, नवजात न्यू बॉर्न बेबी, उनके अंदर होती है दो अल्फा और दो गामा, ठीक है। तो ये आंकड़े कहीं पे नोट कर लेना, काम आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा श्रृंखला कम है तो बीटा श्रृंखला ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीटा श्रृंखला ज्यादा होगी। तो अधिक बीटा श्रृंखला के कारण हीमोग्लोबिन का चतुष्क बनता है, टेट्रामर बनता है, ठीक है। जिसको बोला जाता है एच बी एच, क्या बोला जाता है? एच बी एच, हीमोग्लोबिन एच बोला जाता है। जिसमें कितनी बीटा श्रृंखलाएं होती है? चार बीटा श्रृंखला, बात समझ में आई, से बनता है, ठीक। तो अधिक बीटा श्रृंखला है इसलिए हीमोग्लोबिन का क्या बन जाता है? चतुष्क बन जाता है, टेट्रामर बन जाता है। उसके अंदर बीटा श्रृंखला कितनी है? चार बीटा श्रृंखला बन जाती है। अब ये हीमोग्लोबिन, हाँ, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है भाई साहब? शरीर में खून को लाल तो करता ही है, और क्या काम करता है, ठीक है। अब ये डायलॉग में वापिस बोलूंगा, यार सेम डायलॉग बोलते रहते हो पूरे दिन। तो भाई आदमी भी तो सेम है, टॉपिक भी तो सेम है, ठीक है। थोड़ी बहुत कलाकारी आती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हर बार नया लेके आऊं मैं, ठीक है। चलिए, तो चार बीटा श्रृंखला से बना हुआ होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, और उसके जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का वक्र बनता है उसको बोला जाता है ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ग्राफ जो बनता है, ठीक है। तो वो असामान्य हो जाता है, असामान्य होगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी और गड़बड़ होगी। बीटा थैलेसीमिया के अंदर अलग ही केस होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन तो परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ेगा आरबीसी की झिल्ली से जुड़कर, की झिल्ली से जुड़कर उसका लयन कर देता है। किसका? आरबीसी का लयन, आरबीसी को तोड़ देता है, और तोड़ेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। डेल्टा थैलेसीमिया में डेल्टा श्रृंखला कम है, इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना है, ठीक। चलिए, तो ये सब एक और चीज, कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, ये किसके अंदर परिवर्तन की वजह से होता है? एच बी ए वन एच बी ए टू जीन में परिवर्तन, ठीक है। मुख्य कारण यहां पर आया इसका, जबकि ये किसकी वजह से होता है? एच बी बी जीन में परिवर्तन। ज्यादा दिक्कतें पैदा नहीं करनी। एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, अल्फा थैलेसीमिया इसलिए ए वन और ए टू, एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, बी बी जीन मतलब बीटा थैलेसीमिया। तो एच बी बी जीन में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। नोट करो जल्दी से, बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया सब। अब एक और चीज, सिकल सेल एनीमिया भी लगभग हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है, और बीटा थैलेसीमिया भी हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है। तो फर्क क्या है? फर्क एक ये है कि इसके अंदर मात्रा या संख्या में परिवर्तन हो रहा है अल्फा और बीटा श्रृंखला की, जबकि वहां पे क्वालिटी में फर्क हो रहा है। यहां पे क्वांटिटी में फर्क है, उसमें क्वालिटी में। तो थैलेसीमिया कैसा है? क्वांटिटेटिव रोग है या मात्रात्मक रोग है, जबकि वो कैसा है? गुणात्मक या क्वालिटेटिव रोग है, ठीक है। चल, अब मेरा काम आसान हो गया है, नोट कर लीजिए, फिर खत्म करते हैं इसको। ये तो बड़ा दिक्कत कर रहा है, ए भिगा के लेके आओ, फिर बोर्ड गीला हो जाएगा, फिर लिखूंगा कैसे? क्लासों में होते तो बड़ा मजा आता था। आह, आज बोर्ड खराब हो गया सर, पढ़ाएंगे ही नहीं, और पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई ज्ञान की बात, कोई हंसी मजाक की बात। इसलिए ऑफलाइन टीचिंग अच्छी होती है, मतलब हमारे लिए भी आसानी है, पर तुमको ज्यादा मजा आता। अब हम तो वो कर रहे हैं जो कर ही रहे थे, लेकिन तुमको वो करना पड़ रहा था जो तुम करना पड़ रहा है, जो तुम नहीं करते हो। कि हाथ में मोबाइल है लेकिन इंस्टाग्राम नहीं चला पा रहे, क्योंकि पास में पप्पा बैठे हुए।
पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करना पड़ेगा, मोबाइल का उपयोग सही कार्यों के लिए करना है। हाँ, थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, अब तीन रोग आ रहे एक साथ, ठीक है, उन तीनों रोगों के बारे में। इससे पहले मैं तुमको, अगर तुम बोलो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बता देता हूँ, ताकि अपने तीन रोग जो आए वो आसानी से याद हो जाए हमको। यह आसान है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर किसके अंदर गड़बड़ होती है, सी एफ टी आर प्रोटीन में विकृति। तो प्रोटीन क्या काम करता है वो भी अपन बात करेंगे, लेकिन उसका फर्क किसके अंदर पड़ता है, सर्वाधिक प्रभावित कौन होते हैं, फेफड़े सर्वाधिक प्रभावित, और साथ साथ कुछ दूसरे अंग भी जैसे यकृत, लीवर, किडनी, अग्नाशय या पैंक्रियाज और आंत, ये सब प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर सीएफटीआर, सीएफटीआर का पूरा नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर और बहुत बड़ा नाम, ठीक है। ये किसके अंदर, स्त्रावण से संबंधित है, ठीक है, पसीना कमा श्लेष्मा या म्यूकस कमा पाचक रसों के स्त्रावण से संबंधित, स्त्रावण हेतु ये प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर इसमें विकृति हो जाए तो क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे जो स्त्राव है गाढ़े हो जाते, और गाढ़े होंगे तो फर्क पड़ेगा, और सबसे ज्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। क्यों प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या जम जाएगा, कफ, कफ व सांस लेने में कठिनाई, निरंतर अगर दिक्कत हो जाए तो इस तरीके की चीजें होगी, ठीक है। तो ये सीएफटीआर क्या है, सीएफटीआर प्रोटीन में विकृति है, किससे संबंधित होता है सीएफटीआर प्रोटीन, पसीने श्लेष्मा पाचक रसों के स्त्रावण के लिए, और इसकी कम विकृति के कारण क्या हो जाते हैं, स्त्राव गाढ़े हो जाते हैं। गाढ़े होंगे तो कौन कौन से अंग प्रभावित होंगे, फेफड़े लीवर किडनी अग्नाशय आंत कफ आंत सांस सब प्रभावित होंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी से, इस बार सारा मोड पहले ही साफ कर दिया। हाँ, अब देखो तीन रोग है अपने पास, कौन कौन सा, एलकैप्टोनुरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और रंजकहीनता। तीनों का एक कॉमन पाथवे है जिससे अपने को आसानी से, बॉडी के अंदर एक अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम है, थोड़ा सा और नीचे, हाँ, फिनाइल एलेनिन। क्या होता है, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन जो है वो एक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित होता है इसमें टायरोसिन में, टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है, ठीक है। टायरोसिन जो है वो फर्दर आगे परिवर्तित होता है एक वर्णक है जिसका नाम है मिलेनिन वर्णक, परिवर्तित होता है। अगर मिलेनिन बॉडी में ऑलरेडी बना हुआ है तो टायरोसिन किस में परिवर्तित होता है, होमोजेंटिसिक अम्ल, होमोजेंटिसिक अम्ल, ठीक है। और होमोजेंटिसिक अम्ल आगे कोई ना कोई उत्पाद बना देता है, ये अभिक्रिया बॉडी के अंदर नॉर्मली चलती है। अब देखो, हम जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में परिवर्तित होना है, उसके लिए एक एंजाइम है फिनाइल एलेनिन डीहाइड्रोजिनेस, एंजाइम का नाम क्या है, डीहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम अगर अनुपस्थित हो जाए, ये एंजाइम क्या हो जाए, अनुपस्थित, तो हमको एक रोग होता है, रोग का नाम है
फिनाइल कीटो न्यूरिया, ठीक है। क्या होगा इसका लक्षण आगे बात करेंगे। दूसरा, टायरोसिन को मिलेनिन में परिवर्तित करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है टायरोसिनेज। क्या नाम है? टायरोसिनेज। और ये ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर क्या है? कॉपर। ध्यान रखना कंपटीशन के लिए, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है। टायरोसिनेज अगर अनुपस्थित हो जाए तो हमको एक रोग होता है जिसका नाम है रंजकहीनता, क्योंकि अब रंजक या वर्णक नहीं बन पा रहे हैं हमारे अंदर, पिगमेंट नहीं बनेंगे, पिगमेंट नहीं बनेंगे तो हमारे स्किन का, नेल्स का, आंखों के जो कलर वगैरह है वो नहीं बनेंगे या इस तरीके कलर नहीं आएंगे। तुमने देखा होता है सफेद चूहे होते हैं या सफेद खरगोश होते हैं, वो पूरी तरीके से वर्णक अनुपस्थित होते हैं, जन्मजात ऐसा उनके अंदर ऐसा होता है, इसीलिए उनको बोला जाता है एल्बिनो। इंग्लिश में रंजकहीनता को बोला जाता है एल्बिनिज्म, ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है एल्बिनो। तो टायरोसिनेज एंजाइम की अनुपस्थिति का एक और एंजाइम है यहां पर जो होमोसिंथेसिक अम्ल को इसके अंदर परिवर्तित करता है। एंजाइम का नाम है होमोजेंटिसेट ऑक्सीजिनेज। अगर वो एंजाइम अनुपस्थित हो जाए तो हमको एक रोग होता है जिसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। तो इन तीनों रोगों का कारण समझ में आया तुमको कि फिनाइल कीटोन्यूरिया कब होगा, एल्केप्टोन्यूरिया कब होगा और रंजकहीनता कब होगा, ठीक। चलिए अब इनके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। रंजकहीनता के लक्षण तो मैंने बता दिए, आंख कमा त्वचा कमो नाखून में वर्णक अनुपस्थित, ठीक है। और अगर जन्मजात है तब उसको क्या बोला जाता है? एल्बिनो। एल्बिनो चूहा, एल्बिनो खरगोश, पूरी तरीके से सफेद, तो रंजकहीनता का कोई दिक्कत नहीं। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर कौन जमा होगा? फिनाइल एलेनिन एकत्रित होगा। व्युत्पन्न का जमा, ठीक है, व्युत्पन्न का जमा होगा कहां पर? मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। और मस्तिष्क के अंदर जमा होगा तो क्या होगा? मानसिक दुर्बलता, मानसिक रूप से व्यक्ति इतना मजबूत नहीं रहेगा या मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला एल्केप्टोन्यूरिया जो होमोजेंटिसिक अम्ल एकत्रित होगा, होमोजेंटिसिक अम्ल का व्युत्पन्न जिसको बोला जाता है एल्केप्टोन, वो बॉडी में जमाव होगा किसके रूप में? स्टोन के रूप में, जैसे अपन बोलते हैं पथरी हो जाती है किडनी में, ठीक है, स्टोन या पथरी। कहां कहां पर? किडनी कमा अन्य अंग जैसे हृदय के कपाट, इन सब को नुकसान होगा। और दूसरा क्या होगा? ये मूत्र में उत्सर्जित होगा, और जैसे ही उत्सर्जित होता है मूत्र के साथ में इसका हो जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन हो जाता है या ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये किस तरीके का यूरिन हो जाता है? ब्लैक यूरिन, पेट्रोल जैसा, ठीक है। हाँ, तो ब्लैक यूरिन डिजीज भी इसको बोला जाता है। तो सब समझ में आया, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल कीटोन्यूरिया किस वजह से है? इस एंजाइम की अनुपस्थिति। रंजकहीनता किसकी वजह से है? टायरोसिनेज की अनुपस्थिति के कारण। ये किसकी वजह से? एल्केप्टोन्यूरिया किसकी वजह से? होमोजेंटिसिक अम्ल की कमी के कारण। रोग को अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि अपने को आसानी से पता चले कौन से रोग। तो तुम पूरा डिटेल में थोड़ा सा लिख लेना इस बात को कि होमोजेंटिसिक एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण। फिनाइल कीटोन्यूरिया किसकी वजह से? फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी के कारण। एंड रंजकहीनता किसकी वजह से?
टायरोसिनेज एंजाइम की कमी के कारण, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर तुम्हारे जो मेंडेलियन विकार है वो खत्म हो जाते हैं। अपन गुणसूत्री विकारों के बारे में बात आगे करें, ठीक।